और मोबाइल लोकेशन की जांच नहीं होगी और लगातार हर बार एग्जामिनेशन का पेपर लीक होने के बाद फिर वो मामला मुद्दा बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो हम जानना चाहेंगे जो पटना में गिरफ्तारी हुई है वो राजद के नजदीक है या जदयू प्रमुख या दोनों के नजदीक। राजद के शीर्ष नेता 1-2-3 के साथ उनका रिश्ता है कि जदयू के 1-5 वाले के साथ रिश्ता, 2-5 के वाले के साथ। और ऐसे लोग सरकार और विपक्ष दोनों से मिलकर काम करते और ये बात सामने आई, कई अखबारों ने, कई सोशल मीडिया के चैनलों ने कल जो गिरफ्तारी हुई है उसको कोई राजद का कह रहा है, कोई जदयू का। जो राजद के पक्ष वाले सोशल मीडिया है वो जदयू का कह रहा है और जो जदयू के पक्ष वाले सोशल मीडिया है वो राजद का कह रहा है। मेरा सवाल है कि राजद और जदयू दोनों के वो है और ये दोनों के पक्ष में या विपक्ष में, ये पूरे देश की आम लोग मिडिल क्लास के बच्चों की जिंदगी हराम हो रही है। इतना हाई कटअप कर दिया गया कि 690 मार्क्स लाने के बावजूद भी, 650 मार्क्स लाने के बावजूद भी मुझे आश्चर्य होता है कि इतने बड़े कटअप के बावजूद आम लोग का तो होना ही नहीं। तो भाई आप कटअप कर दीजिए तो कहां से ये मार्किंग आ गई। तो ये क्रिमिनल केस, इस पर तो डेथ प्लेंटी होने की जरूरत है, इस पर ये मर्डर है, मर्डर है और इसको 302 का मुकदमा। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के जांच से जो कल गिरफ्तारी हुई है, हम चाहेंगे कि इसमें हाईकोर्ट के बेंच या सुप्रीम कोर्ट के जांच के द्वारा या जेपीसी जांच के द्वारा इसमें यह खुलासा हो कि क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से मिली भगत है और होगी। मेरा मानना है कि कल जो गिरफ्तारी हुई है परसों वो दोनों के पक्ष के लोग, दोनों से उनकी मिली है, तो उनकी पूरी जांच होनी चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं 1-2-3 राजद और 2-2-2-4-5 जदयू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।